मैं एम्बिशु तोपा, लद्दाख कश्मीर टू कन्याकुमारी रोड ट्रिप का ये है 19 डे हम लोग स्टार्ट किया है पेंगोंग से। बहुत ही एक टेंशन में आ गई थी हम लोग, जिंदा वापस जा पाऊंगी क्या घर पे, ऐसा एक सिचुएशन में आ गई हूँ हम लोग। चांगला पास में गाड़ी फंस गए है, हम लोग का गाड़ी नहीं है, ऐसा 150-200 गाड़ी फंस गए है। ये वीडियो पूरा देखना, पता चल जाएगा सब। चलो स्टीयरिंग पे आ गई हूँ, सेट भी हो गई, गाड़ी थोड़ा गड़गड़ गड़गड़ आवाज कर रहे हैं। ले पे जाके चेक करूंगी, ले यहाँ से 160 किलोमीटर है, 5 आवर्स लगते हैं लेकिन मुझे 7 आवर्स लग जाएगा, मैं बहुत धीरे चलाती हूँ। चलो चलते हैं, 19 डे जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ ये पेंगोंग लेक से लेक की तरफ। वो जो पहाड़िया है ना, रात में बहुत बर्फ गिरा है, ये तो पूरा ये बर्फ नहीं था आगे वाला पहाड़ी में और पीछे वाला पहाड़ी में भी। पेंगोंग लेक बात करने में भी सांस फूल रहे हैं, अब पूरा बर्फ भर गए हैं, बहुत ही ठंड है, रात शायद 5 डिग्री माइनस, 4-5 डिग्री के आसपास है, 4-5 डिग्री से भी ज़्यादा शायद। बर्फ, पूरा बर्फ। लेक इको होमस्टे में हम लोग स्टे किया है, आज हम लोग लेक की तरफ जाऊंगी, हमारे 18 डे जर्नी स्टार्ट होगा। देखो सुबह हुआ है, सुबह कितना बजे अब शायद देखते हैं, वो 6:25 हो गए, 7:25 हुआ है। देखो आगे वाला पहाड़ी पूरा बर्फ में सफ़ेद हो गए हैं, और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रही हूँ चाय के साथ, ये ब्रेड के साथ। हम लोग का आज 19 डे जर्नी स्टार्ट होगा, 19 डे जर्नी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग पेंगोंग लेक से स्टार्ट किया है, जाएंगे अब लेक की तरफ। चलो पेंगोंग लेक छोड़ के हम लोग आगे जा रहे हैं। बहुत ही ठंडा है, माइनस टेम्परेचर है, बहुत ठंड, बहुत ठंड। चलो लोग ये देखो पेंगोंग लेक, देखो पेंगोंग लेक छोड़ के हम लोग आगे जा रही हूँ लेक की तरफ, हो गए पेंगोंग लेक। 19 দিনের যাত্রা শুরু আমাদের পেঙ্গম লেক থেকে লেক। কালকে যখন আমরা এসে পৌঁছেছি বিকেল বেলায়, তখন লেক জল ছিল কখনো সবুজ আভ, কখনো নীল আভ, কখনো সাদা। পেঙ্গম লেক সে হাম লোক নিকল গয়ে, বহুত টাইম হুয়া হে, পেঙ্গম লেক হাম লোক এনজয় কিয়া হে। जब हम कल आए थे पेंगोंग लेक में, ये लेक का जो पानी थे, पानी के कलर नीला था, ब्लू था, तो आज सुबह वो कलर चेंज हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं। ये है दिन, है दिन के वैरायटीज जो टाइम होते हैं, मॉर्निंग पे एक कलर होते हैं, दोपहर में एक और इवनिंग में एक। वेदर अच्छा होते हैं तो कलर ये रियलाइज़ कर पाते हो, जो कलर चेंज होते हैं ऑलवेज पेंगोंग लेक का पानी है, पानी का कलर चेंज होते रहते हैं। पेंगोंग लेक से ले जाने के लिए डेंजरस चांगला पास क्रॉस करना होगा, चांगला पास बहुत ही डेंजरस है, और कल रात बहुत बर्फ भी गिरा है, तो सब बोल रहे हैं चांगला पास डेंजरस है, क्यों तो हम तो चांगला पास से नहीं आया है, हम लोग आया है वो जगह से जो सियाचिन से हम लोग आए हैं पेंगोंग लेक। अब जाने के टाइम चांगला पास क्रॉस करना होगा, आने के टाइम हम लोग क्रॉस किया है खारदुंगला पास होके हम लोग आए हैं, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अब जाऊंगी चांगला पास होके, जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, तो देखते हैं, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि चांगला पास क्रॉस करना होगा, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में वो चांगला पास है। सैंड रिवर के साइड से हम जा रही हूँ, देखो राइट साइड वाला जो वाइट जगह है दिखाई दे रही है एक रिवर जैसा, वो है सैंड रिवर, पानी नहीं है वो सैंड रिवर है। ये रास्ता बहुत ही ख़राब है, 40 किलोमीटर रास्ता बहुत ख़राब। कल जो हम लोग शाम को आए थे ना, वो रास्ता 40 किलोमीटर पेंगोंग लेक बहुत ही ख़राब था, और हम लोग को 40 किलोमीटर रास्ता जाना पड़ेगा, और उससे आगे तो चांगला पास। चलो हम लोग भी वेट कर रही हूँ, सब
लोग मुंह से सुन रही हूँ बहुत ही डेंजरस है, चांगला पास के बाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा रास्ता, चांगला तो खराब ही रहेगा। चलो देखते हैं आगे क्या वेट कर रही है हम लोग के लिए। देखो आगे चमड़ी गाय है, ये बहुत सारी है। चलो ये देखो टंग से है, टंग से में सब गाड़ी रुक गए हैं, आगे चांगला पास में बर्फ क्लियर कर रहे हैं। चांगला पास में बर्फ क्लियर होगा उसके बाद गाड़ी आगे जाएगा। और यहाँ पर भाई लोग बोल रहे हैं मेरा गाड़ी सबसे लास्ट में छोड़ेगा क्योंकि मेरा चेन नहीं है, स्नो चेन। टंग से यहाँ पर गाड़ी चलो ऑफ है। चलो हम लोग लास्ट में जाना चाहती हूँ, आगे नहीं जाना चाहती हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। চাংলাতে তখন ভীষণ বরফ পড়ছে, কালকেও ভীষণ বরফ পড়েছে। আমরা যেখানে ছিলাম সমস্ত হোমস্টে ছাদে তারপরে টেন্টের ছাদে বরফে ভর্তি, আমরা সেই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে থোড়ি দূর বাদবাদি গাড়ি রুক যাতে হ্যাঁ। और ये देखो एक ड्राइवर भाग रहे हैं, शायद जैम छोड़ेगा, गाड़ी छोड़ेगा, सिग्नल मिला है क्योंकि चांगला पास में बहुत ही बर्फ गिरा इसलिए गाड़ी यहाँ से ऊपर जाने का परमिशन नहीं है, रुक दिया है। चलो हम भी साइड से जा रही हूँ। सब ड्राइवर लोग भाग रहे हैं, गाड़ी छोड़ रहे हैं शायद। चलो धीरे धीरे चलते हैं, हम भी धीरे धीरे चलते हैं। पता नहीं है चांगला पे क्या वेट करेगा हम लोग के लिए। रास्ता ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। देखो बहुत सारी बाइक राइडर जा रहे हैं लेकिन बर्फ़ के ऊपर से बाइक राइडर के लिए बहुत ही दिक्कत है, मुसीबत है। चलो सब सही सलामत घर पहुँच जाए वो ही चाहती हूँ। जितना आगे जा रही हूँ बर्फ़ सफ़ेद हो रहे हैं, माउंटेन पहाड़ सब सफ़ेद हो रहे हैं और बर्फ़ भी बढ़ रहे हैं। आगे चांगला पास है, हम धीरे धीरे चांगला टॉप की तरफ जा रही हूँ। जितना ऊंचाई में जा रही हूँ बर्फ़ भी बढ़ रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं और बर्फ भी बढ़ रहे हैं, बर्फ के ऊपर गाड़ी चलाना बहुत ही मुसीबत है। चलो चलते हैं देखते हैं। देखो बहुत सारी बाइक राइडर, 5 घंटा रास्ता और रास्ता क्लियर करने वाला लोग वो रास्ते के साइड पे खड़ा है, रास्ता क्लियर करते हैं। और हम लोग जैसा एडवेंचर करने वाला लोग चलते हैं, वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और हम लोग ये एडवेंचर करते हैं। सैल्यूट उन लोगों को दे रही हूँ। धीरे धीरे हम लोग चांगला पास की तरफ जा रही हूँ, बर्फ़ देख के ही पता चल रहे हैं जो टॉप में जा रही हूँ और गाड़ी जो चल रहे हैं मैं चला रही हूँ। आप लोग को देख के ऐसा लग रहा है प्लेन, लेकिन ऊपर जा रही हूँ, एक टर्निंग में बहुत ही ऊपर चल जाते हैं। और ये देखो सफ़ेद हो रहे हैं पूरा, चारों तरफ सफ़ेद है। देखो आगे तो शायद अब बर्फ़ के ऊपर ही चल रही हूँ, ये जो आगे जो गाड़ी जा रहे हैं मैं उसको फॉलो करते हुए चल रही हूँ और बर्फ़ बहुत ही धीरे चला रही हूँ। वो भी जान कार एक्सपीडिशन मेरा लाइफ में सबसे खतरनाक एक्सपीडिशन है ये कार एक्सपीडिशन। रास्ता क्लियर, ये देखो आगे देखो समुंदर है। चलो गुरुजी के पास प्रे करती हूँ सब ठीक ठाक जाएगा। मेरा लाइफ में ये बहुत ही डेंजरस एक्सपीडिशन है, आगे ऐसा लग रहा है बर्फ़ का समुंदर है। बहुत सारी गाड़ी यहाँ पर रुक गए हैं, हम तो धीरे धीरे साइड से निकलने का कोशिश कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ। शायद आगे बहुत ही डेंजरस कुछ है, थोड़ा बहुत टेंशन तो हो ही रहे है। चारों तरफ बर्फ़ में भरा हुआ है, बर्फ़ पिघल रहे हैं और रास्ते के ऊपर पानी है, गड्ढा हो गए हैं
और गड्ढा में पानी में भरा हुआ है, चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहे है। तो ठीक है, आगे कोई गाड़ी नहीं है, आगे गाड़ी नहीं होते हैं तो ठीक है, लेकिन आगे वाला गाड़ी रुक जाते हैं ना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं चलाने में। भयंकर चांगला पास, भयंकर डेंजरस चांगला पास, आगे देखो। भयंकर डेंजरस चांगला पास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लेकिन यह रोड नहीं लग रहे हैं, पूरा मिट्टी कादा और बर्फ में भरा हुआ है। चलो यहाँ पर गाड़ी को पूरा, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड ना, गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुआ है, एक भैया ने गाड़ी ऊपर ला के दिया है। चलो गाड़ी को धक्का लगाया, उसके बाद चले हैं। यहाँ पर बर्फ गिर के पूरा, सामने वाला क्या हो गया, मेरा टायर पूरा बर्फ के अंदर चले गए, तो धक्का लगाया, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुआ है और थोड़ा ऊपर ला के दिया है मुझे एक लोकल ड्राइवर ने। अब चल रही हूँ, देखो बहुत ही डेंजरस है यार। আমাদের এই বার্তা অভিযানের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রাস্তা চাংলা, সবচেয়ে জজিলা পাস ছিল, কিন্তু এতটা ভয়ঙ্কর, এতটা ভয়ঙ্কর ছিল না জজিলা, চাংলা প্রাণ সংশয়, কত গাড়ি আটকে যাচ্ছে, জোরে টানতে হবে এখানে, হ্যাঁ একটু জোরে আসলে যে জোরে টেনেই দিতাম, ওখানে গাড়িটা আটকে গেছে, দাঁড়িয়ে গেছে। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এরকম রাস্তায় বরফ জমে আছে। চাংলা পাস ভেরি ডেঞ্জারাস, লেট চাংলা পাস, দেখো দেখো গাড়িটা মোশনে থাকলে আর অসুবিধা হচ্ছে না, ও আগে বহুত হি ডেঞ্জারাস হ্যায় গড্ডা হ্যায়, থোড়া ফাস্ট গিয়ার মে দেখ কে এক্সিলেটর আ দবানা পড়তা হ্যায় বহুত জোর সে, জব মোশন মে রহতে হ্যায় না কোই প্রবলেম নেই হোতে হ্যায়, লেকিন জবই রুক জাতে হ্যায় গাড়ি ধাক্কা লাগানা পড় রহে হ্যায়। এক বার মুঝে তো মেরা গাড়ি ধাক্কা লাগায়া, অর সেকেন্ড বার এক লোকাল ড্রাইভার নে, মে তো পুরো সাইড মে চলে গয়ে বরফ কে অন্দর, তো লোকাল ড্রাইভার নে পাস লা কে দিয়া অর বোল রহে আপ ইয়ে जो गाड़ी जा रहे है आगे और जो लीक है उसके ऊपर चलो। अरे यार चलो तो ना, तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा और मुझे भी थोड़ा मुसीबत होगा, ये बाइक वालों के लिए बहुत ही डेंजरस है, स्कीड करते हैं, बहुत स्कीड करते हैं, देखा भी है एक बाइक वाला का बाइक बहुत ही स्कीड कर रहे हैं। चलो धीरे धीरे चलो भाई, धीरे धीरे चलो, देखो आगे दो बाइक है, चलने में बहुत ही दिक्कत हो रहे है, थोड़ा संभाल के चलो भैया, देख के चलो, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, बर्फ पूरी क्योंकि बर्फ में बाइक ज़्यादा स्कीड करते हैं। वो दोनों देख रहे हैं ना कितना धीरे धीरे चला रहे हैं, चलो आस्ते आस्ते चलो, देखते हैं, और बर्फ भी गिर रहे हैं थोड़ा हल्का। मैं तो साइड से निकाल भी नहीं पा रही हूँ और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहे है इतना पीछे पीछे चलाना, और साइड से नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बर्फ के अंदर चाका टायर फंस जाएगा, एक बार तो फंस गया है, चलो उनका पीछे पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग कभी कभी रुक जाते हैं, मुझे थोड़ा तब क्योंकि रुक जाने के बाद मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैं भी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ ये लोग को ओवरटेक करने के लिए, लेकिन ओवरटेक करना बहुत ही डेंजरस होगा। बर्फ गिर रहे हैं, देखो बहुत ही धीरे धीरे बर्फ गिरना बढ़ रहे हैं। मैं तो कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके चांगला हो जाने के बाद ही डाउन होगा, और बर्फ गिरना बढ़ भी गए हैं,
बर्फ गिरते हैं तो थोड़ा रास्ता बर्फ में भर जाएगा तो मुसीबत होगा गाड़ी लेके नीचे उतरना। कोई कोई बाइक वाला रुक जा रहे हैं क्योंकि आगे चल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही स्किड कर रहे हैं और मुझे भी थोड़ा साइड चाहिए। ये रास्ता बहुत ही ख़राब है यार, उफ़ कब आएगा ये चंगला बस। ओ आगे सब गाड़ी रुक गए हैं, पता नहीं है क्या है, आगे गाड़ी रुक दिया सब, मैं भी रुक रही हूँ, मुझे भी रुकना पड़ेगा ही। क्रॉस कर रही हूँ, फिर यहाँ पर जैम हो गए हैं। ये देखो बहुत ही मेरा लाइफ में डेंजरस ये एडवेंचर है, डेंजरस एक्सपीडिशन। ये कार पूरा बर्फ भरा हुआ, ये है चांगला पास, ले से पेंगोंग आने का रास्ता है और हम लोग पेंगोंग से ले जा रही हूँ। अभी भी 80 किलोमीटर ऐसा है। क्या है, सब टेंशन में है थोड़ा, जब तक ना ये चांगला पास क्रॉस होगा। ये भाई लोग हेल्प किया है, देखो ये चांगला पास है, मेरा लाइफ में सबसे डेंजरस ये कार एक्सपीडिशन कर रही हूँ। उधर गाड़ी रुक गए थे, उसके बाद ये भाई लोग ने चढ़ा दिया और पीछे से धक्का लगाया बहुत। इससे पहले मैं बुमला पास किया है अरुणाचल में, वो भी बहुत डेंजरस था, बट अब लग रहा है अरुणाचल बुमला पास हार गए लद्दाख के पास। ये देखो चांगला पास, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। गाड़ी रुक गए हैं, चल नहीं रहे हैं, आगे वाला सब गाड़ी रुके हैं। अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है चलना, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। मुझे तो धक्का लगाया, उसके बाद मैं चल पड़ी। चलो देखो कितना स्नो गिर रहे हैं, बहुत ही स्नोफॉल हो रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, सफ़ेद हो गए हैं पूरा। हम लोग यहाँ पर रुके हैं, बहुत ही स्नो गिर रहे हैं, फिर वापस बहुत ही स्नोफॉल्स हो रहे हैं, बहुत ही स्नोफॉल। ये बर्फों का समुंदर के ऊपर से जा रही हूँ। अभी भी थोड़ा जो गाड़ी चल रहे है ना, मिट्टी है, मिट्टी है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रहे है, लेकिन पूरा रास्ता बर्फ सफ़ेद हो जाएगा तो मेरे पास चेन नहीं है, मेरे लिए बहुत ही दिक्कत होगा नीचे उतरना। अभी भी तो ठीक है, चला रही हूँ, चल पा रही हूँ, लेकिन बर्फ भी गिरना बंद नहीं हो रहे है। बोल रहे हैं और थोड़ा आगे ही है चांगला टॉप, चांगला टॉप के बाद डाउन, बहुत तेज स्नोफॉल हो रहे हैं। गाड़ी सब रुक रहे हैं, रुक गए हैं, बहुत तेज स्नोफॉल हो रहे हैं। देखो आगे पीछे सब गाड़ी रुक गए हैं, चांगला टॉप आगे है, बहुत ही स्नो गिर रहे, बहुत स्नो गिर रहे है। देखो स्नोफॉल हो रहे, बहुत ही स्नोफॉल हो रहे हैं यहाँ पर। फिर हम लोग चांगला पास में पता नहीं है कब जा पाऊंगी, बहुत थोड़ा बहुत टेंशन में है, वो दोनों तो बहुत ही टेंशन में हो गए हैं। ये देखो आगे वाला नज़ारा, चांगला पास बहुत ही गिरे, बहुत गिरे है, देखो गाड़ी के ऊपर हो गए है, बाप रे तुषारे सब पड़े गलो गाड़ी। देखो बर्फ गिरे है, फिर एक बार रुक गए हैं गाड़ी, पता नहीं है कब चलेगा। माय गॉड, मैम जी अभी आप कौन सी जगह में फंसा है? अभी तो ये चांगला, चांगला टॉप 500 मीटर आगे टॉप है, बाप रे भयंकर है, जिसका बर्फ देखने का शौक है वो ख्वाहिश मिट जाएगा। फिर हम लोग फंसे है यहाँ पर, मैं नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे बहुत है इसलिए डर नहीं लग रहा है, लेकिन एक मैडम का अचानक घर जाना होगा इसलिए थोड़ा टेंशन है। ले में कल का दिल्ली वाली फ्लाइट है इसलिए थोड़ा टेंशन है ना, तो अभी आप श्योर कह सकते हैं क्योंकि गाड़ी अभी निकाल के जाएगा, क्योंकि आगे देखो कितना गाड़ी है, पीछे भी देखो कितना गाड़ी है, बहुत फंसे। चलो बहुत फंसे हैं,
अच्छा नहीं है, सब सबको जो होगा मेरा भी वही होगा। नहीं मैंने देखने से तो आपका जो गाड़ी जो है सबसे छोटा गाड़ी है, इसलिए बोल रहा अभी टॉप ही नहीं चढ़े, इसलिए बोल रहा नहीं तो आगे देखो कितना कितना फोड़ा फोड़ा पूरा गाड़ी है। यहाँ तो आपका सबसे छोटा गाड़ी है, इसका उत्तर और भी ड्राइव है लड़की। मैम जी आपने बहुत हिम्मत के साथ लाई है, बहुत तगड़ा है। चलो ठीक है, भैया लद्दाख एंड कोलकाता, लद्दाख का हमारा सेकंड हाइस्ट ये वर्ड है, क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट है खरदोंगला 18,000 फीट, वो तो आके हो चुका है। आपने दूसरा चंगला टॉप पे आ गया, पंगोंग लेक देखने के लिए आए गए ना आप लोग, दूसरा सेकंड हाइस्ट है ये चंगला ना? हाँ जी है, इसलिए पीछे भी बहुत गाड़ी फंसा है। देखो अभी कितना मुश्किल से, अभी तो थोड़ा मौसम भी ठीक हो रहा है, नहीं तो यहाँ से देखने से तो ऊपर का देखो पूरा बड़ा भी बड़ा है। मैम अभी हमारे गाड़ी फंसे है, सबका गाड़ी फंसे है, सब मेरा नहीं है। तो ये सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड चांगला, यहाँ पर फंसे है। खाड़गू का हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड वो हमने करके आ गई हूँ। यहाँ पर देखो बहुत मतलब स्नो गिरा है ना, तो ठीक ही था, कोई बात नहीं है, तो सबको जहाँ होगा मेरा भी वही होगा। ये सेफ गर्ल चाइल्ड ये मैसेज लेके पूरा इंडिया घूम रही हूँ, लद्दाख कश्मीर टू कन्याकुमारी, नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में कन्याकुमारी जाना है। अच्छा अच्छा बहुत तगड़ा के साथ आया आप, हैप्पी जर्नी मेरा, उम्मीद करना अभी सी यू अगेन, आपको फिर दोबारा मिलेगा। हाँ, बहुत कोई फर्क नहीं, सब हम घर जाए यही मांग रही हूँ भगवान के पास, घर के पास जो जो यहाँ पर फंसे हैं सो सब ने सेफली घर पहुँच जाए, यही मांग रही हूँ। ओके भाई हैप्पी जर्नी। तोपो दीदी थोड़ा बहुत ही टेंशन में आ गए है झरना दी, क्योंकि कल अनफॉर्चुनेटली झरना दी को जाना होगा, कल सुबह फ्लाइट है, इसलिए थोड़ा टेंशन हो गई। हम लोग यहाँ पर चांगला वर्ल्ड का हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, और सेकेंड हाईएस्ट मतलब बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस। तो यहाँ पर हम लोग फंसे हैं, बहुत सारी गाड़ी फंसे हैं, सिर्फ हम लोग नहीं है, तो थोड़ा बहुत टेंशन हो रहे हैं, ज़्यादा टेंशन हो रहे हैं, क्योंकि कल सुबह झरना दी को जाना है, इसलिए क्योंकि हम और तपो दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सबका जो होगा हम लोग का भी होगा वो होगा, क्योंकि आर्मी वालों ने और यहाँ को जो यहाँ जो फंसे हुए ड्राइवर लोगों ने बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पर, तो कोई धक्का लगाने का जरूरत होता है, थोड़ा चलाने का जरूरत होता है वो भी कर देते हैं, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है। टेंशन है झरना दी को कल फ्लाइट है, इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन हो रहे है। चलो एक बार तकाओ चांगला में सेल्फी में, ये है चांगला वर्ल्ड का सेकेंड हाइस्ट मोटरेबल रोड। देखो मैं गाड़ी से बाहर आ गई, ये देखो यहाँ पर बर्फ, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यहाँ पर हम लोग सब फंसे हैं, बहुत सारी गाड़ी फंसे हैं, और जैम भी लग गए हैं, पता नहीं है कब ये जैम क्लियर होगा। बहुत ही डेंजरस है यार ये रास्ता, बहुत ही डेंजरस सब बोल रहे हैं, और 300-400 मीटर आगे है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना 300-400 मीटर को 300-400 किलोमीटर लग रहे हैं, पता नहीं है कब चांगला टॉप आएगा, उसके बाद डाउन है, और डाउन में क्या वेट कर रहे हैं गॉड नोज। चलो ओह माय गॉड फाइनली आ गए हम लोग चांगला टॉप में, ये है चांगला टॉप, बर्फ में भरा हुआ, बर्फ गिर ही रहे हैं, डेंजरस चांगला, बहुत ही स्नो गिर रहे है, बहुत स्नो गिर रहे, बहुत सारे लोग मदद भी कर रहे हैं। ये टॉप है, पूरा टॉप में आ गए है, ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड चांगला लद्दाख में। हम लोग फर्स्ट जो है खरदुंगला पास वो हम लोग चढ़ के आए हैं, बट स्नो नहीं गिरा है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, स्नो नहीं गिरा, प्रॉब्लम नहीं हुआ उधर, और यहाँ पर तो बहुत ही स्नो गिर रहे है। चलो देखो पास कर रही हूँ चांगला टॉप छोड़ के, थोड़ा आगे जा रही हूँ, शाम हो गए है, गाड़ी रुक गए है, बहुत ही स्नो गिरा, बहुत डेंजरस सिचुएशन में हूँ, देखो कितना स्नो गिर रहे है। दो लोकल बॉय का मदद ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं है नीचे जा पाऊँगी क्या आज रात, रात तो 10:10 हो गए है यार, लोकल दो बॉय हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को,
कोशिश कर रहे हैं गाड़ी नीचे लाने का। मेरा गाड़ी स्कीड किया है बर्फ़ में, मेरा गाड़ी का जो टायर है टायर दब गए हैं, तो लोकल बॉय आके उसको ऊपर लाके आए हैं। तो मैं तो ड्राइविंग सीट से पीछे आ गई हूँ, बर्फ़ गिर ही रहे हैं, कम ही नहीं हो रहे हैं। थोड़ा स्लो करके वो भाई लोग चला भी रहे हैं। ये दोनों लोकल बॉय है, देखो ये बाइक राइडर का पायलट है, तो वो दोनों हम लोग को मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा नीचे जाने के लिए, लेकिन बहुत ही रुक रुक के गाड़ी चल रहे हैं। हम लोग तो टेंशन में है, लेकिन वो लोग मस्ती में है, बोलते हैं वो लोग को तो ऐसा ही देखते हैं वो लोग ऐसा ही सिचुएशन, लेकिन हम थोड़ा नर्वस हो गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा स्लिप भी किया है, स्कीड भी किया है मेरा गाड़ी, मैं पीछे आ गई हूँ। ये स्नो वाला रास्ता ज़्यादा नहीं है, बोल रहे हैं 2-3 किलोमीटर रास्ता है, लेकिन ये 2-3 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऊपर लग रहे हैं और गाड़ी रुक भी रहे हैं। तो बोल रहे हैं मैडम टेंशन मत करो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दोनों भी तो लोकल बॉय है ना, उन लोगों को भी जाना है, उन लोगों को बाइक राइडर है साथ में, बाइक राइडर को एक गाड़ी पे बैठा दिया और हम लोग को मदद कर रहे हैं। बहुत सारी लोग का मदद मिला है यहाँ पर, जो एक डेंजर सिचुएशन में हूँ हम लोग। अब तो हम सुबह के लिए वेट कर रही हूँ। चांगला टॉप से थोड़ा नीचे आई हूँ, बहुत ही बर्फ़ गिर रहे हैं, रुक रुक के चला है मेरा गाड़ी, थोड़ा स्कीड किया है, उसके बाद यहाँ का लोकल दो बॉय को लेके थोड़ा आगे आई हूँ, लेकिन वो लोकल बॉय भी हम लोग को छोड़ के नीचे चले गए हैं। हम सिर्फ तीनों है, पता नहीं है और आसपास कोई गाड़ी है क्या, बहुत ही टेंशन हो रहे है और बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड। हमारे गाड़ी का आगे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखो कितना बर्फ, शायद यहाँ पर सारा रात पूरा रात यही रुकना होगा, 19 डेज शायद ये चांगला पास में गुजरना पड़ेगा। सुबह के लिए वेट कर रही हूँ।